Hey guys, welcome back to my channel. So I hope you all are having good time and enjoying life. So guys, आज का जो वीडियो है, आज का जो ब्लॉग होने वाला है, समथिंग वेरी स्पेशल. और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक स्पेशल गिफ्ट जो कि कृष्ण के तरफ से, मतलब मैं जन्माष्टमी तो ओवर हो गई है लेकिन जन्माष्टमी में मैंने ये चीज़ ऑर्डर प्लेस किया था एंड रिसीविंग इट ऑन बिफोर राधाष्टमी. सो ये कान्हा की तरफ से मतलब कान्हा ने मुझे एक तरह से गिफ्ट दिया है. सो आई एम नॉट गोइंग टू रिवील राइट नाउ. उसके लिए आपको वीडियो के साथ बने रहना है और आपको बहुत अमेजिंग चीज आपको देखने को मिलेगा. सो स्टे ट्यून्ड. एंड आज मैं जा रही हूँ वो चीज को पिकअप करने, तो चलिए मेरे साथ और मैं आपको एक कुछ डिफरेंट दिखाने वाली हूँ. बहुत ही स्पेशल गिफ्ट फॉर मी. सो स्टे ट्यून एंड लेट्स गो. सो मैं जा रही हूँ अपना सरप्राइज गिफ्ट पिक करने और मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी. सो जुड़े रहिएगा गाइस मेरे साथ. मैं पहुँच गई. सो गाइस आई एम हियर एंड आई एम गोइंग टू शो यू द सरप्राइज गिफ्ट दैट आई एम गोइंग टू शो. सो हियर आई एम एट कृष्ण ज्वेलर्स. सो गाइस दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि जो सरप्राइज गिफ्ट जो है मैं आपको रिवील करने वाली हूँ और आपको थोड़ा थोड़ा तो पता चल ही गया होगा कि व्हाट दिस विल बी. सो हियर इज माय सरप्राइज और ये डिज़ाइन मैंने बहुत मुश्किल से बनवाया है और दिस इज़ वेरी यूनिक और बहुत सुकून दे रहा मुझे. इसको देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है. कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन और ये रिंग कैसा लगा और ये कान्हा का और राधा रानी का जो गिफ्ट उन्होंने मुझे दिया कैसा लगा आप लोगों को. सो ही इज़ द ओनर ऑफ कृष्णम ज्वेलर्स एज ही इज़ हिमसेल्फ कृष्णम एंड इनका नाम भी कृष्णम है. तो आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में. मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि मैम आए थे हमारे पास ये डिज़ाइन देकर जो कि काफ़ी यूनिक डिज़ाइन था, तो उन्हें ये रिंग बनवाया है एंड हमने काफ़ी अच्छे से ये बनाकर दिया है. तो अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ बनवाना हो तो आप आ सकते हैं हमारे स्टोर. आपको बेस्ट मेकिंग चार्जेस पर ये बना के दिया जाएगा. ओके थैंक यू. सो मुझे वहाँ पे ब्रेसलेट मैं देख रही थी गोल्ड के इस टाइप के, मैं जो मैंने सिल्वर में पहना हुआ है तो गोल्ड में देख रही थी तो इस टाइप की वलाइज का, और मुझे वो बहुत अट्रैक्ट करता है वलाइज. सो उनके पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और आप अपनी डिज़ाइन अगर आपको कस्टमाइज़ करवाना है वो भी करवा सकता है. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब गोल्ड पसंद आने लगा है और मैं ऑफन यहाँ पे आकर लेते रहूँगी. और यहाँ का जो डिज़ाइन है कमाल का है रियली. सो आई जस्ट रीच्ड होम और वहाँ पे मैं वीडियो ऐसे बोल के नहीं बना पाई बिकॉज वहाँ पे मैं माइक ले जाना भूल गई थी. सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा था. सो मैं अभी घर में बैठ के आपको पूरा डिटेल्स बताने वाली हूँ. सो ये है मेरा बैग कृष्णम ज्वेलर्स और ये है मेरा पाउच. सो बेसिकली इसकी कहानी ये है कि मुझे रिंग्स वगैरह में ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह कैरी नहीं करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मैं घुमा देती हूँ चीज़ों को. तो मेरे बहुत सारी मैंने ज्वेलरी अपने घुमा दिए हैं तो फिर और मुझे कैरी करना इट्स लाइक कहीं पे भी मैं रख देती हूँ तो मैं ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ ज़्यादा. तो जब भी मैं पूजा करती थी तो पंडित जी हमेशा बोलते थे कि यू हैव टू वेयर रिंग और समथिंग इन गोल्ड जब पूजा कर रहे हो. तो मुझे ऐसा कुछ लेना था जो रिलेटेड टू कृष्णा हो. तो मैंने ये डिज़ाइन बहुत पहले देख के रखा हुआ था बट कोई ऐसा बना नहीं पा रहा था जैसा मुझे चाहिए था. तो फाइनली मैं वहाँ पे, आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा कि लास्ट ईयर भी मैंने जो सामान लिए थे कृष्णम ज्वेलर से, कान्हा का झूला हो गया, उनके एक्सेसरीज और बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ से ली थी. और उसके बाद इस जन्माष्टमी में भी बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ से लिया. और इसके बाद फिर मैं इस जन्माष्टमी में जब गई तो ऐसा होता है ना कि जब हमारे लिए कुछ चीज़ भगवान ने सोच के रखते हैं तो उसी टाइम पे होता है. तो जन्माष्टमी में गई वहाँ पे और जन्माष्टमी में ही मैंने इस ब्यूटीफुल रिंग को ऑर्डर प्लेस किया था. और राधा अष्टमी कल है और आज मुझे ये बन के तैयार हो के उनका कॉल आया कि एक मेरा जो रिंग स्पेशल रिंग है वो बन चुका है.
और आई एम सो हैप्पी, सो एक्साइटेड कि एक तरह से ये मेरे लिए कान्हा का गिफ्ट है। मुझे रिंग्स वगैरह पहनना भी बिल्कुल, आपने कभी देखा नहीं होगा कि मैंने गोल्ड के रिंग्स पहने या कुछ भी, क्योंकि कैरी करना बहुत मेरे लिए, मैं कैरी ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ ज्वेलरी को, तो मैंने ये लिया है और मैं बहुत खुश हूँ इससे। और क्योंकि ये श्री कृष्ण है लिखा हुआ है, तो इस अंगूठी को मैं बहुत संभाल के रखूँगी और बहुत प्यार से रखूँगी। और उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया, क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े ज्वेलर्स ब्रांड में गई तो उन्होंने बोला कि इस टाइप से नहीं बन पाएगा। तो इस टाइप का जो था उनका, मैंने जो डिज़ाइन देखा था अरेबिक में कुछ उन्होंने लिखा था, जैसे ही मैंने वो देखा था वैसे ही मुझे अट्रैक्ट कर रहा था कि मुझे इसमें श्री कृष्ण लिखवाना है। और उन्होंने बहुत अच्छे से बना के दिया और हैवी भी है, और ये बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया उन्होंने, वजन में भी अच्छा खासा वजन दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये रिंग कितना सुंदर है, और कल राधा अष्टमी है तो राधा रानी के चरणों में मैं रखूँगी और उनसे प्रार्थना करूंगी कि ब्लेस करे हमारी रिंग को, और मेरे पास ऐसे ही रिंग्स आते रहे। सो मैं वहाँ के बारे में कुछ आपको डिटेल्स बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे ये चीज़ें अपलोड किया था तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने वहाँ के बारे में पूछ रहे थे। सो मैंने सोचा कि जब मैं ये अपलोड करूँगी यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग पूछने वाले कि मैंने कहाँ से बनवाए हैं। तो गाइज, ऐसे में हर कहीं से गोल्ड नहीं परचेज करती हूँ, एक सर्टिफाइड रहना चाहिए ज्वेलर शॉप, और मैं ज़्यादातर तनिष्क से ही मैं लेती थी पहले। तो आई विल सजेस्ट कि कृष्णम ज्वेलर्स, अगर आप ज्वेलरी अपना बनवाना चाहते हैं, डिज़ाइन देना चाहते हैं कि आपको स्पेशली उसी टाइप का ज्वेलरी चाहिए, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट बना के दे देते हैं। जैसे मैंने देखा, क्योंकि ये मुझे बहुत ही सुंदर लगा, बहुत अच्छा उन्होंने बनाया, बहुत अच्छा फिनिशिंग है, सारी चीज़ें बहुत अच्छा है। तो अगर आप ज्वेलरी बनवाना चाहते हैं या फिर कुछ भी डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो ये बेस्ट जगह है। और हॉलमार्क के साथ ये सारी चीज़ें देते हैं, एवरीथिंग यू विल गेट, हॉलमार्क वगैरह सब इसमें लिखा हुआ है, अभी दिखाऊंगी मैं। और बहुत ही अच्छे रेट में आपको देंगे। आप ये बता के जाएगा कि मैं यूट्यूब कृष्णवी वर्ल्ड को देखकर यहाँ पे आई हूँ, तो आपको एक अलग से डिस्काउंट मिलेगा वहाँ पे डेफिनेटली। सो या गाइज, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इट्स लाइक माय हार्ट टू हार्ट, क्योंकि मैं ऐसे प्रमोशनल वीडियोज़ करती नहीं हूँ। जो मुझे एक्चुअल मुझे लगता है कि या दिस इज़ द बेस्ट फॉर मी, तो वही चीज़ें मैं, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, दिस इज ऑनेस्ट रिव्यू दैट आई एम गिविंग टू यू, जो मैंने फील किया, क्योंकि मैंने 2 साल से मैं वहाँ से सामान ले रही हूँ। पर्सनली मैंने खुद के लिए बहुत सारी चीज़ें लिया है वहाँ से, और उसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा लगा है, उनका जो गेस्चर है, उनका हॉस्पिटैलिटी है, एवरीथिंग इज सो वार्म, सो वेलकमिंग, और उन्होंने बहुत अच्छे से बना के दिया। आई एम सो हैप्पी, सो एक्साइटेड, क्योंकि मैंने यहाँ पे, आप देखें कि मैंने श्री कृष्ण का, वन सेकेंड, वॉच ओपन को खोल के मैं आपको बताती हूँ कि कृष्णा मेरे लाइफ से बहुत कनेक्टेड है। एंड ये मैंने टैटू बनवाया था श्री कृष्ण का, तो एवरीथिंग इन माय लाइफ इज रिलेटेड टू कृष्णा। और जिस ज्वेलरी शॉप में गई वो भी, मतलब आप ये देखिएगा कि कोइंसिडेंटली वो भी कृष्णम, मतलब वो भी कृष्ण भक्त है, वो लोग बहुत बड़े कृष्ण भक्त है। और जो मैंने रिंग बनवाई है वो भी श्री कृष्ण के नाम से है। तो या आप जाइएगा और वहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा डेफिनेटली। सो मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि एक बार विजिट कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। और भी मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ से डिज़ाइन करवाने वाली हूँ, क्योंकि मैं ट्राई कर रही थी कि अगर वो अच्छा बना के देंगे देन आई विल डेफिनेटली ट्राई समथिंग न्यू एंड आई विल एक्सपेरिमेंट। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ये अगर आपको बनवाना होगा ये डिज़ाइन, तो आप खुशी खुशी बनवा लीजिएगा आराम से, कोई कॉपीराइट नहीं है इस रिंग पे, क्योंकि वो भी बोल रहे थे कि ये वेरी यूनिक है, उन्होंने आज तक ऐसा रिंग नहीं बनाया है ना देखा है। अगर आप लोगों ने ऐसा रिंग देखा है या आपके पास है तो कमेंट करके जरूर बताएगा दैट यू ऑलरेडी हैव दिस काइंड ऑफ रिंग। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखे, सुरक्षित रहे। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, राधे राधे, लव यू ऑल।